हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का हल। तो आज हम यहाँ पे इस की कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक का हल यहाँ पे देखने वाले हैं। ये प्रश्न बैंक वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं के सभी विषय की प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि हमने लगभग सभी विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल हमारे YouTube चैनल पर डाल रखा है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हमारे पास आज हम पढ़ने वाले हैं 11वीं जीव विज्ञान का अध्याय 7, जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो इसके प्रश्नों को आज यहाँ पे हम हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण या स्मरण योग्य बिंदु दे रखे हैं, तो आपको इन स्मरणीय बिंदुओं को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये स्मरणीय बिंदु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लें। इसके बाद हम अब शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। यहाँ पे तो सही विकल्प में हमारे पास जो पहला सही विकल्प है वो है मेंढक किस वर्ग से संबंधित है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमेलिया या एविज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, यानी कि एम्फीबिया। तो एम्फीबिया इसका राइट आंसर है। अगला है, उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेंढक होता है। तो चार ऑप्शन है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूकीटेलिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरियोटेलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला है, काकरोच का शरीर विभाजन का शरीर विभाजित होता है। चार ऑप्शन है, सिर, वक्ष व उदर में, सिर, वक्ष व पूंछ में, सिर, उदर व पूंछ में या वक्ष, उदर व पूंछ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिर, वक्ष व उदर में। तो सिर, वक्ष व उदर, यानी कि ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे सही है। अगला है, काकरोच के श्वसन तंत्र में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो इसमें है चार ऑप्शन, 8 जोड़ी, 9 जोड़ी, 10 जोड़ी या 12 जोड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी कि 10 जोड़ी। उसके बाद अब हमारे पास है यहाँ पे इसके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में हमारे पास जो पहला रिक्त स्थान दिया है वो है, केचुए में भोजन को पीसने का कार्य रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तो इसमें आएगा गिजार्ड। दूसरा है, केचुए में उत्सर्जन का कार्य रिक्त स्थान द्वारा होता है। तो इसमें आएगा नेफ्रिडिया। तीसरा है, कंकाली पेशी रिक्त स्थान प्रकृति की होती है। तो इसमें आएगा ऐच्छिक। चौथा है, चिकनी पेशी रिक्त स्थान प्रकृति की होती है। तो इसमें आएगा अनैच्छिक। पांचवा है, काकरोच संघ रिक्त स्थान का जंतु है। तो इसमें आएगा आर्थोपोड़ा। अगला है, केचुए संघ रिक्त स्थान का जंतु है। तो इसमें आएगा एनेलिडा। और अगला सातवां है, मेंढक का लार्वा रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसमें आएगा टेड़पाल। तो ये इसके रिक्त स्थान हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे सही जोड़ियों को। तो सही जोड़ी में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे लिखा है हेवर्सियन तंत्र। तो इसमें को मिलाया जाएगा अस्थियाँ से, यानी कि ब वाले से मिलाना है इसे हमें। उसके बाद है हार्मोन, तो इसे मिलाया जाएगा अंतः स्त्रावी ग्रंथियों से, यानी कि अ वाले से। फिर है हृदय, तो इसे मिलाया जाएगा अंतर्विष्ट डिस्क से, यानी कि स वाले से। उसके बाद है केचुआ, इसे मिलाया जाएगा एनेलिडा से, यानी कि ए वाले से। और कॉकरोच, इसको मिलाया जाएगा आर्थोपोडा से, यानी कि द वाले से। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी। अब हम देखते हैं इसके एक वाक्य के उत्तरों को। तो एक वाक्य के उत्तर में पहला प्रश्न है, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य लिखिए। तो इसका आंसर है भोजन का अवशोषण।
दूसरा प्रश्न है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो इसमें आएगा लिंगामेंट। तीसरा प्रश्न है, पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो इसमें आएगा टेंडन। फिर चौथा प्रश्न है, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसमें आएगा संयोजी ऊतक में। तो इस प्रकार से ये हमारे एक वाक्य के उत्तर भी यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो अब इससे आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।